जिसे खा ले तू कलफरी में जो तीन जड़ों का खड़ा है वो तो हम भी तीन अभी तीन जड़ों का खाना मंगाया तेरी बहन की तरह भाई होगा मैं कुछ बनाऊ ना देख लग तेरे सामने हूँ मैं और क्या और वो कहावत सुनिए ना अपना बच्चा फेल हो जाए तो दुख होता है बट दूसरे का फेल हो जाए फिर दुख कम हो जाता है। हाय एवरीवन वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज सुबह से ना मैं नहाई हूँ ना मम्मी नहाई और जो हमारा शेड्यूल था वो ये था सुबह उठे खा पी के हम फिर सो गए अब हम फिर से उठे अभी गोलगप्पे हमने ऑर्डर कर रहे हैं तो हम उसकी पेट पूजा करेंगे जब तक मम्मी की चाय को देखने का ड्यूटी मेरी है क्योंकि मम्मी बाहर शॉपिंग कर रही है। मम्मी आज हमारा शेड्यूल क्या था हम ना लिए मतलब डैडी और एलिवेशन नहीं है तो हम लोग सिर्फ खाए पी और सोए फिर उठ के फिर खाए हम कितने फ्री माइंड घूम रहे हैं आज सुबह उठे खा पी के फिर सो गए फिर अब गोलगप्पे के लिए उठे हम और चाय के अब हम गोलगप्पे खाएंगे अब मम्मी चाय पिएगी क्या करो शाम का खाना शाम को खीर और क्या बनाओगे आलू सब्जी पूरी बना दी हाँ कुछ भी कचौरी अगर आलू मैश भी तो रखे हैं कचौरी बना लो है ना डैडी कितने बजे तक आएंगे नहीं आएंगे अभी तो 11-12 बजे तक आऊंगे पर मम्मी ने मैं बना दूंगी दाल ओके तेरी बहन की तरह भाई होगा मैं कुछ बनाऊ ना देख लग तेरे सामने हूँ मैं और क्या और मैं गोलगप्पे खा लूँ इतने ना कुछ तो मैं खा लूँ ना आप तो चाय पियोगे बस आ रही हूँ मैंने तो शुरू भी कर दिए थे आप वहाँ बिजी थे शॉपिंग करने बाहर क्या शॉपिंग करी आपने मैम बैठे बैठे घर मौसी और दोनों अपने लग रही है शॉपिंग करने घर बुला बुला के अरे बजे वही यस मैम कैसे गोलगप्पा चाहिए आपको मीठा तीखा या मिक्स नहीं मैं चाय पीने के बाद तू खा ले जब तो है तो मैं चाय रखी थी गोलगप्पा खाऊंगी फिर मौसी का फोन आ गया ना फिर मम्मी गॉसिप पढ़ने लग गई हाँ तेरी अनीता मौसी का आ गया आज काफी दिनों में बात की थी मैं कितने टाइम बाद गोलगप्पे खा रही हूँ ऐसे वाले वहाँ ये नहीं मिलते सूजी के कोमल नू मत कह ये नहीं मिलता नू का वहाँ कुछ नहीं मिलता वहाँ कुछ नहीं मिलता कुछ हाँ और एडमिशन मैंने कहा था रसमलाई ले आइए तो ये होगा हम ऑर्डर कर लेंगे इसे क्यों परेशान कर रहा तू मेरे बेटा ने वो अपने यही तो मंगवा लो होम डिलीवरी करवाओ होम डिलीवरी करवाओ चलो भाई हम एंजॉय करते हैं गोलगप्पे मम्मी अपनी चाय बिना नहाए धोए चीयर्स से आ तो नहाई भी ना मैं कह तू कौन सी नहाई सो मुझे चला ले ऐसे यार ठंडे होंगे ठंडे बड़ी ठंडे मैंने तो ऑर्डर रखा है शॉल शॉल तो मैंने भी ऑर्डर रखा है खाया जाओ तेरे भाई हमारा डिनर रेडी मम्मी डिनर में क्या बनाया आज आज मैंने बनाया देख रहे तेरे सामने भाई और एक प्लेट तो खत्म हो चुका है और दूसरा प्लेट अभी अटैक स्टार्ट हो चुका है तो हमारा डिनर आज ये आज हमारा बिल्कुल मन नहीं था खाना खाने का क्योंकि आज डैडी भी नहीं है घर पे ना एल्विस घर पे है तो हमने सोचा आज पार्टी करी जाए उनके बिना आज हम दोनों पार्टी कर रहे हैं आज हम पार्टी कर रहे हैं इतनी जल्दी हाय तो बताए समझा रहे थे जब तक ना आया कि पता ना कितना खाओगे कोई ना हम फिनिश कर देंगे भाई अभी मैं शुरू होंगी खाना ये तीन जनों का खाना है तो हम भी तीन है अभी तीन जनों का खाना मंगाया तो हम अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी इसमें है क्या ये गोलगप्पे भर दही गोलगप्पे ना इसमें से नॉर्मल गोलगप्पे दही बल्ले आज के लिए इतना ही कल के लिए टिक्की कल के लिए टिक्की और राज कचौरी खाएंगे है ना जो खान पीन आइए खा ले सब कुछ खा जाऊं मैं लिस्ट बना के चिपका दूं इंडिया का सारी चीज मत खा जी तो हाँ टेस्ट करते हैं बस कलफरी थी मैं जिसे खा ले तू कलफरी हूँ मैं इंडिया जैसी चीज है वहाँ पे अगर खाना जाना मतलब खाना है तो हमें अपने घर से 1 घंटे ट्रैफिक 1-1.5 घंटा तो मान लो आराम से ट्रैफिक में फंस के फिर पहुंचेंगे हम मेन बैंकॉक खाना खाने जब तक वो सब कुछ मतलब जो भी है दिमाग में पेट्रोल ही चढ़ ले वही तो इसे यहाँ तो आपने जब भी फोन करा जब भी आ लिया है तो फोन नंबर ले लिया तुषार का धन्यवाद जो बेचारा जब बेचारा भाग के लिए आया अब हम खा ले तो हम ये व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड अब हम पेट पूजा करते हैं बाय मम्मी सबको बाय बोल दो मैं शीशे में से बोल रही हूँ हम खा चलो
कुछ और सोचने लगी थी। ओके हाय एवरीवन, यार मैं कोमल को बहुत मिस कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं क्यों मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को खाना बनाना पड़ रहा है अपने लिए भी, माँ के लिए भी। तो मैं सोच रहा हूँ आज मैं क्या बनाऊँ ब्रेकफास्ट में। माँ के लिए सोच रहा हूँ सैंडविच बना दूँ, और अपने लिए ऑमलेट या एग उबाल दूँ, और उसके बाद फिर लंच के लिए सोच रहा हूँ माँ के लिए तो दाल ही बना दूँ यार, और मैं अपने लिए चावल बना लूँगा, और माँ रोटी खाती तो उनके लिए रोटी और आटा गूंदना है। कोमल आई रियली मिस यू, पर क्या करूँ। कोई नहीं यार, तू इंजॉय कर वहाँ पे, हैं सही छोले भटूरे खा रही है, गोलगप्पे खा रही है, सही है बेटा, कुछ पार्सल करा दें यहाँ भी, हैं और वो देख मक्खन की रोटी, कुछ मक्खन ले आइयो इंडिया से आए, वो पिघल ना जाए बस ये देख लियो उसको, है ना साइड में बर्फ़ बर्फ़ लगा के पन्नी में पैक करके तब ले गई हो। मेरे को भी मक्खन खाना है, मक्खन चटनी, और है ना मेथी ले आइयो, यहाँ मेथी नहीं मिलती ना, पालक और सरसों तो मिल जाएगी, मेथी ले आइयो, सरसों का साग बना दियो, थोड़ा सा बाजरे चून भी ले आइयो यार, तो बाजरे की रोटी और मैं भी खा लूँगा, तो उसको मैं बोलूँगा कुछ तो कुछ मंगवाऊँगा, ऐसी बात नहीं है। मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ यार, अंडे उबालते हैं, वो उबलते रहेंगे। ऑमलेट के लिए तो प्याज व्याज यार सर ये सब कुछ काटना पड़ेगा, मैं थक रहा हूँ क्योंकि कल मैं मैच खेल के आया था यार, तो बॉडी थोड़ी पेन कर रही है, बहुत दूर था मैच, तो अभी सोच रहा हूँ अंडे उबाल लूँ, क्योंकि ऑफिस भी स्टार्ट हो गया, ऑफिस का काम भी करना है यार। कौन नहीं है तो सब कुछ खिला के फेंक रखा है मैंने इधर उधर, वो होती ना ये यहाँ क्यों रखा है, ये यहाँ क्यों रखा है, बस ऐसे करती रहती। तो अभी के लिए तो मैं भाई क्या करूँ, पड़ा रहने दे, वैसे बाद में संगवा दूंगा, देखो क्या हाल कर रखा है, टी शर्ट कहीं भी पड़ी है, बोतल पड़ी है, पानी की बोतल ऐसी डाल रखी है, सब बढ़िया है, वो यहाँ नहीं है, ये क्या कर रखा है, ये क्या कर रखा है, सब कुछ करती, क्या करें यार, आपको पता है कैसे रहते हैं मैन लोग। शिट मैन, दूध भी ख़त्म हो गया, मैं समझा दूध होगा, मैंने तो देखा ही नहीं रात को, अब दूध लेके आना पड़ेगा यार, अभी मैं 7-Eleven जाता हूँ, घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, फटाफट 2 मिनट में लेके आता हूँ। तो भैया अपनी सोसाइटी के बाहर ही 7-Eleven बना पड़ा है, ये है ना 24 घंटे खुला रहता है, तो कोई इशू नहीं होता यहाँ पे, दूध दूध वगैरह कुछ भी सामान लेना हो फटाफट आओ और लेके चले जाओ, यहाँ सब कुछ भरा होता है, कुछ भी चीज़ लो आप। तो ये फैसिलिटी अच्छी लगी मेरे को थाईलैंड, ये 24/7 ओपन है, कभी कुछ ख़त्म हो 2 मिनट में आए, दही लो, दूध लो, कैंपा लो, बियर लो, दारू लो, सब मिलता है यहाँ। इन्होंने दूध महंगा कर दिया, 2 लीटर दूध अभी इन्होंने 100 बाट कर दिया, ये हो गया 220 रुपये का, क्या करें यार, पीना तो पड़ेगा ना, ले लेते हैं। तो भाई मैं दूध ले आया हूँ, और फटाफट दूध गर्म कर दूँ, माँ का दूध गर्म कर दूँ, अपनी कॉफ़ी बना दूँ, माँ के लिए सैंडविच, और अपने लिए अंडे उबाल लूँ या ऑमलेट बना लूँ, देखता हूँ, और फिर ऑफिस का काम करना है यार, 2-3 मीटिंग है, फटाफट कर देता हूँ यार। कल मैच देखने में मजा आ गया, बैन स्टॉक कर दिया उनका, और वो कहो सुनिए ना, अपना बच्चा फेल हो जाए तो दुख होता है, बट दूसरे का फेल हो जाए फिर दुख कम हो जाता है, तो कल यही हुआ, कोई बात नहीं, इंडिया हार गई बट पाकिस्तान हार गई ना, मज़े आ गए है ना, तो कोई नहीं, उन्होंने तो कप हारा और इंडिया से भी हारी, हमने तो खाली कप ही हारा है, कम से कम उनको तो धो दिया था, कल वैसे मज़े आ गए। और है ना दोस्त है कुछ हमारे यहाँ पे, वो मज़े ले रहे हैं, वो फोटो टीवी, क्योंकि हम क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे, पाकिस्तान के प्लेयर भी है भाई, अच्छे दोस्त हैं यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे दोस्त हैं तो उनके मज़े लेते रहते हैं, भाई टीवी ले लिया है ना संडे के लिए, तो कल हथौड़ा लेके वो इमोजी भेज रहा है उसको कि तोड़ो टीवी, पर एनीवे अच्छा खेले, सब अच्छा खेले, हार्ड लक पाकिस्तान, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, तो वैसे इंडिया को मिलेगा नेक्स्ट कप श्योर, पर मज़े आ गए। कोई नहीं, पड़ोसी का बच्चा फेल हो गया बेटा, कोई नहीं अगली बार पास हो जियो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया है, एग उबाल दिए, मैंने अपने लिए सैंडविच नहीं बनाया, मैंने अपने लिए बस ब्रेड सेकी है और कॉफ़ी हो गई, और साथ में काम करते करते अब ब्रेकफास्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर विशेज एंड सपोर्टिंग अस, रियली ये बहुत मैटर करती है हमारे लिए कि आप लोग इतना सारा प्यार करते हो हमें एंड सपोर्ट करते हो, तो थैंक यू सो मच यार, रियली अप्रिशिएट। तो आज के ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे ख़त्म, और मिलते हैं कल, आई थिंक कोमल मिलेगी।